और बोट के अंदर ही सारे घाट के दर्शन करेंगे एज वेल एज आपके मंदिर के भी दर्शन करेंगे वहाँ पे। तो गाइस मैं वो भी नर्मदा नदी के अंदर, मेरे पांव अंदर है देख सकते हैं आप। यहाँ सेल्फी लेना मना है पर मैं तो देखो बैक कैमरे से ले रहा हूँ फोटो। तो गाइस फाइनली बोट में निकल चुके हैं, 1000 रुपये में अपने बोट खरीद ली 2 घंटे के लिए। तो गाइस स्पेशल लाइन के अंदर आ चुके हैं और मंदिर के एकदम पास। तो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके कंप्लीट, बाहर आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं अभी, और पीछे हमारे हैं नर्मदा नदी, और ये है अभी रास्ता नर्मदा नदी पर जाने का। और अभी बोट कर रहे हैं, वहाँ बैठ के जाएंगे उसके अंदर, फुल मस्ती करेंगे और बोट के अंदर ही सारे घाट के दर्शन करेंगे एज वेल एज आपके मंदिर के भी दर्शन करेंगे वहाँ पे। तो आज ही हमारा ट्रिप का तीसरा दिन है और कल हम रात को ये इंदौर रुक गए थे, इंदौर से भी 80 किलोमीटर ड्राइव करके यहीं पे आए हैं अभी। और रास्ते वो जबरदस्त व्यू अच्छे हुए, रोड थोड़ी खराब थी पर कोई नहीं, चलो चला के आ गए, बाबा का नाम लेके आए हैं। तो अभी दर्शन करेंगे और आपको बोट में मिलेंगे डायरेक्ट अभी, और काफी मजे कर रहे हैं। देखो गाय भी हमारे पीछे ही है, घूम के आएंगे। तो गाइस अभी बोट की तरफ जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे, पूरी मस्ती वस्ती करेंगे, पर्सनल बोट लिए भाइयों ने, आज बोट से दर्शन करेंगे। तो गाइस ये है आपका घाट, बहुत ही शानदार लग रहा है। ओमकारेश्वर फाइनली पहुंच चुके हैं और बोटिंग का बोट भी ले चुके हैं। बोट ले ली, ले ली बोट है, बोट ले ली है, मीना मीना बॉय। महाकाल ओमकारेश्वर महाराज। पर्सनल बोट लाओ। तो गाइस मैं वो भी नर्मदा नदी के अंदर, मेरे पांव अंदर है देख सकते हैं आप, और पीछे है नर्मदा नदी, बहुत जबरदस्त है। और अभी ऐसी ही एक बोट के अंदर हम लोग जाएंगे और फुल मस्ती करेंगे। अब देखो बोट के दरवाजे बंद होने वाले हैं। फोटो सेशन चलते हुए, अपने चलो अपने अकॉर्डिंग चलो भाई। यहाँ सेल्फी लेना मना है पर मैं तो देखो बैक कैमरे से ले रहा हूँ फोटो। तो गाइस फाइनली बोट में निकल चुके हैं, 1000 रुपये में अपने बोट खरीद ली 2 घंटे के लिए। और अभी यहाँ से अपन जाएंगे कौन कौन से घाट, तीन घाट जाएंगे, एक संगम जाएंगे और त्रिवेणी धारा, और फिर आएंगे क्या बोलते हैं मंदिर के दर्शन करने वहाँ पे। देखो बोट की आवाज देखो, अब तो अपनी आवाज दब गई।
गाइज ये अपने पीछे है नर्मदा का संगम, जहाँ पे कावेरी नदी और नर्मदा नदी मिलती है आपस में, और बहुत ही जबरदस्त व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। बोलते हैं और अभी बस मंदिर के दर्शन करने जा ही रहे हैं और अभी संगम से होके सीधे त्रिवेणी धारा पे आए हैं। तो गाइस ये आपका मंदिर देख सकते हैं आप, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा। व्यू दिखाता हूँ आपको एक भाई देखिए। तो गाइस स्पेशल लाइन के अंदर आ चुके हैं और मंदिर के एकदम पास, विद इन 10-20 मिनट्स के अंदर दर्शन हो जाएंगे अभी। हर हर फाइनली दर्शन हो चुके कंप्लीट, बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग हैं एक पुल के ऊपर जो नदी के ऊपर से जा रहा है और इस घाट से उस घाट को कनेक्ट करता है। सो काफ़ी मज़ा आया दर्शन करने के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी, हमारे आधी से पौन घंटे के अंदर दर्शन हो गए थे। और अभी थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का लोकल मार्केट, कुछ खरीदेंगे पर कुछ खरीद भी सकते हैं कुछ भी, और अभी शाम को ही निकल जाएंगे जयपुर के लिए वापस। सो जयपुर यहाँ से 800 किलोमीटर राउंड है तो हमें 12-13 घंटे लगेंगे पहुँचने में। सो भी आ वीडियो बने रहिएगा। महाकाल श्री ओमकारेश्वर का ये है मार्केट।
तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रजवाड़ा पैलेस इंदौर के, और देखिए पहुंच गए हम रजवाड़ा। अपने पीछे कुछ किला सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अभी ये बंद हो चुका है बट बाहर से फोटो लेंगे और निकलेंगे यहाँ से अब आगे सराफा मार्केट की तरफ। तो इनको जो बता रहा है ये बात, ये बंद हो गया भाई, यूट्यूबर हूँ मैं, बनाना बताना पड़ता है, क्या करें। सेक्टर 56, सेक्टर 56 ही 56 दुकानें, फेमस मार्केट इन एशिया, 56 फूड स्टॉल्स, द फेमस 56 फूड स्टॉल्स। गाइस पहली दुकान पे ट्राई कर चुके हैं, अभी ऑर्डर दे दिया अपन ने मोमोज का, सो भाइयों को भी मोमोज खिलाएंगे आज, और हम थोड़ी चिंदी चोरी कर रहे हैं, 6 पीस ले रहे हैं, एक ही पीस ट्राई करेंगे फिर हम रिव्यूज देंगे। इसको चिंदी चिंदी बोलते भाई साहब, क्या है 56 बोल, 56 हो गए तो छक्का ट्राई करेंगे। हमने अपने सैम मोमो से स्टार्ट कर दिया है, हम तो खाते हैं और उसके बताते हैं टेस्ट के साथ। जो भाई संजय का फेवरेट है ये, यहाँ पे मोमोज ट्राई हो रहे हैं, कैसा है टेस्ट? दमदार भाई, लो बताओ बताओ टेस्ट कैसा है भाई? बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। क्या था मेरा? अरे यार मेरा